तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन करने वाले हैं एक बैक स्क्रीन प्रोटेक्शन का, जो इस Realme 5 Pro का है। और आपको पता होगा कि Realme के बहुत सारे डिवाइसेस पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना है, जिसके वजह से आपके एवरीडे यूजर्स पे बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस जानने के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और आगे आने वाले अपडेट्स के लिए ये सब्सक्राइब बटन के साथ इस बेल आइकन में ऑल दबाइए। तो जल्दी से इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये जो पैकेज है ये Gadgetshieldz की तरफ से है, ये एक स्क्रीन एंड बॉडी प्रोटेक्शन फिल्म है। तो ये यहाँ पे मैं बिना इंस्टॉलेशन किट के साथ इसको लिया था, क्योंकि लास्ट के वीडियो में अगर आपको पता होगा Realme 3 Pro में मैं उसको ऑलरेडी परचेस कर चुका हूँ। तो ये रहा वो इंस्टॉलेशन किट। आप चाहे तो इसको घर पे बना सकते हैं, आप कोई भी बेबी शैम्पू और पानी को मिला के ये सोल्यूशन को बना सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं Gadgetshieldz का और एक वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये रहा इनमें से, ये रहा वो बैक बॉडी स्क्रीन और ये रहा फ्रंट वाला। तो इसी वीडियो में हम सिर्फ ये जो बैक बॉडी स्क्रीन है उसको ही यूज़ करेंगे। तो अभी मैं इसको थोरोली क्लीन कर देता हूँ और उसके बाद ये जो कैमरा लेंस का ये जो प्रोटेक्टर है इसको निकाल के पहले अप्लाई करता हूँ। और ये जैसे ही हो जाता है वो दूसरा वाला आपको निकाल देना है जो कंप्लीट बैक बॉडी स्क्रीन है। तो इस पे आपको वो सॉल्यूशन को डालना पड़ेगा। अगर आप इसे ही डायरेक्टली इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो ये ड्राई स्क्रीन में जल्दी लग जाता है और बाद में निकालने में उसको मुश्किल हो जाता है, आप अच्छे से अलाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, ये सारा चीज़ मतलब गीला होना चाहिए। ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है उसके साथ साथ आपका फ़ोन को भी आपको उस सॉल्यूशन के साथ आपको गीला कर देना है, ताकि आप अच्छे से इसको अलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उस जगह पे और जो कैमरा सेंसर है उस जगह पे आपको अच्छे से अलाइन कर देना है, ताकि बाकी हर एक जगह पे ये अच्छे से अलाइन हो जाए। तभी आप जितने बार भी चाहे इसको निकाल के फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आप वो सॉल्यूशन नहीं डालेंगे तो ये फिर से नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप दोनों ही डिवाइस और वो जो ये प्रोटेक्टर है इन दोनों को आपको अच्छे से गीला कर देना है। और अच्छे से अलाइन हो जाने के बाद एक कपड़ा लेके इसके सारे बबल्स को निकाल देना है। तो अभी मैं जो भी बचा कुचा बबल्स है सारा निकाल दे रहा हूँ। और हाथों से मैं सारे एजेस को अच्छे से चिपका रहा हूँ ताकि कहीं कुछ ना बचे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बबल्स निकल जाने के लिए। अगर फिर भी कोई बबल्स बच जाता है आपकी कोई डरने की बात नहीं है, ये एक और दो दिन में सारे के सारे बबल्स निकल जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन आप यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बबल्स देख पा रहे होंगे। तो ये देख सकते हैं, ये एक दिन के बाद ये कम्प्लीटली सारा बबल्स निकल गया है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई प्रोटेक्टर भी अप्लाई किया गया है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे एक पतला सा, बहुत ही थीन सा एक लेयर आपके फ़ोन के ऊपर यहाँ पे चढ़ गया है। ये तो था एक ट्रांसपेरेंट वाला बैक कवर, आप चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन का भी ले सकते हैं। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पे क्लिक करेंगे आप इसी जगह पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन और बॉडी। अगर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर चाहिए तो आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर में चूज करना पड़ेगा, और आपको सिर्फ बैक स्क्रीन चाहिए तो आपको बैक स्क्रीन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर ये दोनों आप एक साथ खरीदते हैं तो ये आपको 599 रुपीज़ पड़ेगा, लेकिन अगर आप इनमें से कोई एक खरीदते हैं तो आपको ये 499 में मिलेगा।
और इसके साथ साथ अगर आप इंस्टॉलेशन किट के साथ इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपको एडिशनली यहाँ पे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए यहाँ पे एक कूपन लेकर आया हूँ जो कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके मदद से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेरा मानना है कि थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ये चीज़ को अप्लाई करने पर आपका फ़ोन ज़्यादा टाइम तक अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेगा और यहाँ पे आपको क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। आपको शायद कहीं और जगह पे ऐसा वाला मिल जाए, लेकिन ऐसा क्वालिटी शायद और कोई दे। तो मेरा मानना यही रहेगा, अगर आप रियलमी यूज़र है और आपके पास एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक वाला डिवाइस है तो आप इसको ज़रूर लें। आपको इसी वेबसाइट में बहुत सारे रियलमी डिवाइसेस का ऐसा वाला स्क्रीन गार्ड मिल जाएगा फ्रंट और बैक के लिए, तो आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।